मथुरा में दो साल पहले अतिक्रमणकारियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजन दोषियों पर कोई कार्रवाई न होने से खासे नाराज नजर आए। वहीं उनकी इस नाराजगी पर सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मुकुल को जल्द ही न्याय दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली पर गवां ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच सचिव के जरिए मनरेगा का काम जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए करवाए जाने का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए जल्दी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में पौड़ी जनपद के भूमोथ गांव में भारी बारिश की वजह से दो गौशालाएं बह गई। यहां तक पहुंचने वाले रास्ता बंद हो गया है, जिसे खोलने के लिए जेसीबी मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पैदल गांव में पहुंचने के बाद राहत और बचाव कार्य चलाकर 12 मवेशियों को बचाया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के तहत डीएम ने आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे में देर शाम आए आंधी तूफान से एक 10 वर्षीय लड़के की मौत हो गई, जिससे पूरे घर में मातम छाया हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने बिना कानूनी कार्रवाई से बच्चे को दफन कर दिया। पंजाब के फाजिलका के घुरका गांव में गांव के ही कुछ लोगों ने एक युवक पर हथियारों से वार किया। वहीं जब युवक को स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल लाया गया तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के गदरपुर के दिनेशपुर में चार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे को दिए जाने वाले भोजन में कीड़े मिलने से लोगों ने हंगामा किया, जिसके चलते पूर्व सभासद इति मंडल ने तत्काल में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री में लापरवाही देखने को मिली, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुड़की के चपरेड़ा के लखनोता गांव में दलित वर्ग सरकार से मुआवजे की आस लगाए हुए हैं। बता दें कि 2014 में तालाब भूमि में आने वाले 40 मकानों को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद हरीश रावत सरकार द्वारा उन 40 परिवारों को 100 गज के पट्टे आवंटित करने का वादा किया गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये 40 परिवार सरकार से आस लगाए हुए हैं। जम्मू से गुवाहाटी को जाने वाली 15652 लोहित एक्सप्रेस में IRCTC के द्वारा पेंट्री कार के कर्मचारी को खाने पीने का सामान यात्री को बेचने नहीं दिया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। IRCTC के मैनेजर मुताबिक गुवाहाटी से जम्मू तक इसी तरह का समस्या होती है, ऐसे में कई बार यात्री से अधिक पैसे लेकर ट्रेन से उतर जाते हैं। झारखंड के गिरिडीह में राज्य और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के गिरिडीह जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियां झारखंड में लागू करना बंद करे और रोज बढ़ती पेट्रोल डीजल और अनाज के दामों को नियंत्रित करें। उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में जिला अधिकारी के रवैये से नाराज जिले भर के लेखपालों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि लेखपाल डीएम के जरिए किए गए 11 लेखपालों के ट्रांसफर को शासनादेश का उल्लंघन मानते हुए नाराज चल रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 34वीं बरसी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस मौके पर DGP सुरेशग अरोड़ा ने दल खालसा की बंद के आह्वान पर लोगों से अपने कारोबार खोलने की अपील की और साथ ही पंजाबी गायकों पर गैंगस्टरों की धमकी पर जल्दी कार्रवाई और संगठित अपराध को रोकने के लिए आश्वासन दिया गया।